सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त जैजी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं भिंडी दो प्याज़ा, बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबे वाले स्टाइल में, बट बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो आजकल ना मार्केट में बहुत ही बढ़िया भिंडी आ रही है, तो बस चलिए हम बनाते हैं। और ये ना बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बिल्कुल खिली खिली सी बनेगी अगर ये मेरे तरीके से बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है आधा किलो भिंडी, जिसको हमने गोल गोल टुकड़ों में काट लिया है, मीडियम साइज़ में, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर लिया है एक बड़ा टमाटर, जिसको हमने चॉप कर लिया है। कुछ हमने ली है 5 से 6 हरी मिर्च, जिसको हमने लंबाई में ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर ली है 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, जिसको हमने पतला पतला बारीक लंबा काट लिया है। और यहाँ पर हमने लिए हैं प्याज, हमने 2 बड़े प्याज लिए थे, जिसके एक प्याज की हमने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं और दूसरे प्याज के हमने मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं, जिसकी हमने सारी परतों को अलग कर लिया है। तो चलिए, हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और अब हम बनाते हैं हमारी भिंडी। तो हमने यहाँ पर ले ली है एक कढ़ाई और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। तो हमें यहाँ पर तेल को हो जाने देना है अच्छे से गर्म, ताकि जो तेल की एक हार्श स्मेल होती है वो निकल जाए। और जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हमारे लहसुन की कलियाँ, जिनको हमने पतला लंबा काट के रखा हुआ है। और जैसे ही हमारा लहसुन ब्राउन हो जाएगा ऑयल में, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, हम यहाँ पर डालेंगे प्याज के स्लाइसेस, जो हमने पतले वाले स्लाइसेस काट के रखे हैं प्याज के, वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो कि वो भी हमने पहले से ही चॉप करके रखी है, वो भी हम इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे जब तक हमारे प्याज का रंग चेंज नहीं हो जाता, यानी हमें थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा पिंक, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। इतनी देर के लिए हम प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे। और जैसे ही हमारे प्याज अच्छे से कलर में आ जाएंगे, हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर, जो हमने काट के रखा हुआ था, वो भी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो बस टमाटर डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक, पूरा नहीं, जितना हमें सब्ज़ी में डालना है उतना नहीं, बस इतना नमक डालेंगे कि हमारे टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छे से गल जाएं। तो नमक को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर को हम हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देंगे। और जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, हम यहाँ पर डाल देंगे हमारी भिंडी, जो हमने काट के रखी हुई है। तो भिंडी को डालकर हम इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे खुले में ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। और इसे ढककर तो बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। ढककर पकाने से क्या होगा, भिंडी जल्दी गल जाएगी और ये अपना लेस छोड़ देगी, जिसकी वजह से भिंडी चिपचिपी बनेगी। जब हम इसे ओपन में पकाएंगे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, तो भिंडी क्रिस्पी होगी, जिसकी वजह से भिंडी खिली खिली बनेगी। तो बस अब हमारी भिंडी लगभग 60% को खो चुकी है, तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे ड्राई स्पाइसेस। तो हमने यहाँ पर डाली है पिसी लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर डाला है आमचूर का पाउडर, यानी पिसी हुई खटाई का पाउडर। तो ये सभी चीज़ें डाल के हम इस भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए, हमारी भिंडी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट, यानी नमक। जितनी हमारी सब्ज़ी के हिसाब से हमें नमक यहाँ पर ऐड करना था, बट ध्यान रखिएगा, हमने थोड़ा नमक पहले भी डाला है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। नमक डालकर हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और फ्लेम को करेंगे मीडियम पर। और अब इसे लिड लगा कर रखेंगे पकने के लिए लो फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो जब तक हमारी भिंडी कुक हो रही है, हम कर लेते हैं अगली तैयारी। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक तड़का पैन और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। और ऑयल को हम हो जाने देंगे अच्छे से गर्म, यानी हाई हीट पे हमें इसे गर्म करना है। तो देखिए, ऑयल भी हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है, धुआँ छोड़ रहा है, बस हमें बिल्कुल ऐसे ही ऑयल चाहिए, तेज़ गर्म। तो अब बस हम इसमें जो हमने प्याज की मोटी वाली स्लाइसेस काट के रखी हुई थी, वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे हाई हीट पर ही पकाना है, क्योंकि हमें प्याज का क्रंच ख़राब नहीं करना है, ना ही हमें इसे बिल्कुल गलाना है। हमें सिर्फ प्याज को हाई हीट पर कैरामलाइज करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, कैरामलाइज हो जाएगा, हम इसे सब्ज़ी में अपने ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बस देखिए, ऐसे ही हमें इसे फटाफट से पका कर कैरामलाइज कर लेना है। प्याज को का कलर जो है, हमें वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन चाहिए अच्छे सा। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो रहा है। तो देखिए, प्याज हमारे बहुत ही बढ़िया से कैरामलाइज हो चुके हैं। रुकिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि प्याज में हमारे कितने सुंदर, कितना प्यारा सा कलर आया है हमारे प्याज का। तो ये देखिए, कितना अच्छा सा कैरामलाइज कलर आ गया है इसमें। बस हमारे प्याज बिल्कुल रेडी हैं।
तो चलिए हम फटाफट इसे ट्रांसफ़र करते हैं हमारी सब्ज़ी में, देख लेते हैं। देखिए हमारी भिंडी भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो गई है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है, बिल्कुल खिली खिली सी बनी है, आप देख सकते हैं। तो बस जो हमने प्याज अपने कैरामलाइज़ किए हैं वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए हमने प्याज को यहाँ पर कर दिया है ऐड, और ऐड करने के बाद हम इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो हमने प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, भिंडी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। तो बस अब हमें इसमें डालने हैं हमारे लास्ट कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो बस हमें यहाँ पर डालने हैं कुछ मसाले, जिसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच ही हमने यहाँ पर लिया है चाट मसाला। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पिसी खटाई भी ऐड की है, बट चाट मसाले का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इन मसालों के साथ भिंडी को कर दिया है बिल्कुल अच्छे से मिक्स, और ये हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे रोटी या चपाती के साथ। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जैसे मर्ज़ी खाइए, बट ज़रूर बनाइए और अपने मेहमानों को भी ज़रूर खिलाइए। तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपकी दोस्त जाजी एक बार फिर से मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।